आई एम सुपर हैप्पी विद दिस आउटफिट, मतलब सुपर डुपर हैप्पी। रोई थी और जो हंटी ने भाभी, हाय मॉडर्न मूव फैमिली। मैम आप कहाँ से आए हैं, आपने शॉप कहाँ पे देखा था हमारा? मैंने आपका शॉप देखा था इंस्टाग्राम के मॉडर्न बहू पे, मैंने जस्ट स्क्रॉल करी थी। अच्छा आपने हाँ, यहाँ से देखा था हाँ, तो मैम आपने जैसे आप अंदर आए या शॉप पे, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं शॉप पे आने में, या कोई आप जो विजिट कर रहे हो उसके लिए? हाँ एक्चुअली काफी थोड़ा सा अंदर है तो बहुत सारे लोग मिले थे जिन्होंने डिस्ट्रैक्ट किया था, बोल रहे थे कि यहाँ ले लो। हाँ ब्रोकर्स मिलते हैं, मुझे यहीं से ही लेना था बस, इसलिए डिसाइडेड था सो मैं यहाँ पे। आपने पीछे जैसे कुछ डमी है इनके बेसिस पे आपने कुछ कस्टमाइज कराया था, क्या आप व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि कैसे क्या प्रोसेस था, मतलब आपने हाँ, कैसे डिसाइड किया? मैं लेने के लिए जो आई थी वो वन पीस लेने आई थी, तो मतलब मुझे कुछ अच्छा लगा बट मेरा कुछ और ही था, मुझे ब्लू कलर में स्पेसिफिकली चाहिए था, ठीक है। एंड तो आपने मुझे जैसे याद आ रहा है आपने उस दिन कोई पीछे से जरा सा फैब्रिक देख के खींचा हाँ, था कि exactly. मुझे इस फैब्रिक में कुछ बनवाना हुआ था, वो एक मीटर कपड़ा पड़ा हुआ था, मेरे को वो फैब्रिक पसंद था और फिर मैंने आपको बोला था कि मुझे उस फैब्रिक में पूरी ड्रेस चाहिए और वो मैंने बस एक्सपेक्ट जो इमेजिन कर लिया था और मैंने आपको अपनी इमेजिनरी पोजीशन बता दी। उसके बाद इस टाइप से इन्होंने पसंद किया था, जैसे ये कली बाय कली का वर्क है, इस साइज की कली चाहिए और इस टाइप का नेक एंड ऑल चाहिए, तो इन्होंने ये रेडी करवाया दीदी ने हमारा। तो आप लोगों को भी कैसे लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बाकी दीदी की ड्रेस कैसी लग रही है ये भी प्लीज़ कमेंट करके। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, जब फर्स्ट डे मैंने ये ऑर्डर दिया था एंड जब मैं लेने आई थी तो मतलब मेरी एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल अलग थे, तो थोड़ा सा आपने अपने हिसाब से खराब करवा लिया था। हाँ ठीक है, बट जो मैंने अमेंडमेंट्स कराई मतलब जो चेंजेस कराए उसके बाद आई एम सुपर हैप्पी विद दिस आउटफिट, मतलब सुपर डुपर हैप्पी। तो एक बार आप घूम के रोने वाला जो मैं रोई थी और जो यहाँ हंटी ने भाभी ने मुझे चुप कराया था बट लिटरली बहुत अच्छा लगा। आप एक बार घूम के दिखा दो आपको कितना अच्छा लगा ड्रेस, एक ओए होए वाला ट्वेल तो बनता है। मैंने जो बेल्ट एडिशनल ऐड कराई है ना बहुत सारा लफड़ा मेरे ख्याल से बेल्ट की वजह से ही हुआ था, जो आप कह रहे थे ना कि जो बेल्ट चाहिए थी, मतलब कितना अच्छा लग रहा है। और कल आप रो रहे थे, मतलब जो आपने सपनों में इमेजिन किया था आप नेचुरल उसको देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, यस। अब यानी इमेजिनेशन आपकी रियलिटी में आ गई। गला है वो भी बहुत ही मतलब अच्छा है, मतलब फ्रंट का भी वी नेक जो होता है, वी नेक नॉर्मल होता है, ये बहुत डिफरेंट वी नेक है। आई लव दिस, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर एन अमेजिंग फीडबैक दीदी, थैंक यू।